हेलो एवन, मैं हूं हरेंद्र सिंह एंड आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फिटनेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक मूव के बारे में जिसका नाम है टी स्पाइन रोटेशन। इस मूव में हम अपने कोर की स्टेबिलिटी को, अपने शोल्डर की स्टेबिलिटी को एंड अपनी थोरेसिक स्पाइन या फिर अपनी अपर स्पाइन की मोबिलिटी को ट्रेन कर रहे हैं। ये मूव आप अपने कोर वर्कआउट में या फिर अपने वार्म अप रूटीन में ऐड कर सकते हैं। सो इस मूव को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको ग्राउंड पर जाना होगा हाई प्लैंक पोजीशन में, जहां पर आपके आर्म्स आपके शोल्डर के नीचे होंगे एंड आपका स्टैंस हिप विड्थ होगा। अब आपको अपने हिप्स टाइट रखने हैं, अपना कोर टाइट रखना है एंड अपनी लेग्स स्ट्रेट, आपके टोज हमेशा फ्लोर से कांटेक्ट में रहेंगे एंड मेक श्योर कि आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में। अब आपको अपना एक हाथ फ्लोर से हटाकर सीलिंग की तरफ रोटेट करना है। मेक श्योर कि आप अपनी पूरी अपर बॉडी सीलिंग की तरफ रोटेट कर रहे हैं एंड आपका पेल्विस मतलब आपका हिप एरिया हमेशा नीचे फेस कर रहा है। सो अपनी अपर बॉडी को रोटेट करें ऊपर एंड आपका हिप एरिया फेस करेगा नीचे, आपके टोज हमेशा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में। देन साइड चेंज करें एंड रिपीट। हमेशा इस मूव को कंट्रोल के साथ करें जिससे कि आपका कोर स्टेबिलिटी भी अच्छे से ट्रेन हो पाएगी। एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म टी स्पाइन रोटेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अच्छा खाएं एंड अच्छे से ट्रेन करें।